$1 मिलियन हर दिन भी अगर स्पेंड करना शुरू करे, हर दिन $1 मिलियन अगर स्पेंड करना शुरू करे, तो पता है उनको अपने पूरे वेल्थ को खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 414 ईयर्स, 414 साल लगेंगे। अगर वो डेली $1 मिलियन खर्च करना शुरू करे तो भी उनको पूरे पैसे को खत्म करने में 414 साल लगेंगे। आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा है, इनइक्वालिटी किस लेवल पे हमारे सोसाइटी में बढ़ गया है इस COVID-19 के बाद। अब वुमेन का डेटा देखते हैं कि ये तो ओवरऑल डेटा है, जो वुमेन है ना उन्होंने अपना अर्निंग्स किस तरीके से लूज किया है। तो द वुमेन कलेक्टिवली लॉस्ट $800 बिलियन इन अर्निंग इन 2020 विथ 1.3 करोड़ फ्यूअर वुमेन इन वर्क नाउ देन दे वर इन 2019। जो 2019 से पहले जो वुमेन काम कर रही थी ना, अब सिर्फ 1.3 करोड़ वुमेन ही बची हैं। इसके पहले जितनी वुमेन काम कर रही थी इतनी वुमेन घट चुकी हैं। तो वुमेन का जो कंडीशन है ना, ये भी वर्सन ऑफ हुआ है, वुमेन का कंडीशन अच्छा नहीं हुआ है। तो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन, जेंडर के बेसिस पे भी आप आंसर कर सकते हैं कि वुमेन का कंडीशन जो है वो भी वर्सन ऑफ हुआ है इस COVID-19 में। ठीक है, देखिए 252 मेन, ओके देखिए 252 मेन हैव मोर वेल्थ देन 1 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स इन अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंबाइंड। आप ये चीज देखिए कि किस तरीके से ये डेटा को कंपेयर कर रहा है कि आप जो टोटल 1 बिलियन वुमेन और गर्ल्स का जो टोटल पॉपुलेशन है किस किस कंट्री में, तो अफ्रीका में, मतलब पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का यह बात कर रहा है, लैटिन अमेरिका में पूरे लैटिन अमेरिका का बात कर रहा है, और कैरिबियन, जो कैरिबियन आइलैंड है ना, पूरा कैरिबियन जो वेस्ट इंडीज का पूरा का पार्ट है, जो कैरिबियन आइलैंड है, इस तीनों में जो टोटल वुमेन का जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन वुमेन है। तो इनका टोटल पॉपुलेशन का टोटल वेल्थ अगर आप ऐड कर देंगे तो इनके पास कितना पैसा है? उतना जितना 252 मेन के पास है। एक तरफ 252 आदमी है और एक तरफ क्या है, एक तरफ 252 मेन है और एक तरफ आप पूरा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के पूरे वुमेन और गर्ल्स पॉपुलेशन का टोटल वेल्थ आप ऐड कर दीजिए तो उसके इक्वालेंट 252 मेन के पास पैसा है। तो यहाँ पे आपको इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी भी देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं कि इनइक्वालिटी कैसे अराइज हुआ है? सिर्फ इनइक्वालिटी अराइज नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी भी काफी ज्यादा है। और इसी इनइक्वालिटी के कारण इनइक्वालिटी किल्स, तो कितने लोगों को इनइक्वालिटी मार रहा है, तो ये रिपोर्ट, ये फाइंडिंग्स बताया है कि इनइक्वालिटी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द डेथ ऑफ एटलीस्ट 21,300 पीपल ईच डे, या हर चौथे सेकेंड में एक लोगों का डेथ इनइक्वालिटी के कारण हो रहा है। हर 4 सेकेंड में, हर चौथे सेकेंड में एक लोगों का जो डेथ है वो इनइक्वालिटी के कारण हो रहा है। तो दिस इज हाउ इनइक्वालिटी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एज अ डेथ सेंटेंस। तो हर चौथे सेकेंड में एक लोगों का डेथ हो रहा है। ये फिगर आप सोच के देखिए कि 1 2 3 4, हर चौथे सेकेंड में, मतलब 1 मिनट में 15 लोगों का डेथ सिर्फ इनइक्वालिटी के कारण हो रहा है। ये सब COVID-19 का इम्पैक्ट है। इसी इनइक्वालिटी के कारण, ये जो COVID-19 का इम्पैक्ट आया है, इसी इनइक्वालिटी के कारण जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन, जो मिड डे, जो न्यूट्रिशियल मील ऑफ द डे चलता था, जो मिड डे मील जो चल रहा था, तो मिलियंस ऑफ दी चिल्ड्रेन, जो ये सोशली बैकवर्ड क्लासेस के जो भी चिल्ड्रेंस हैं, उसमें मिलियंस ऑफ दी चिल्ड्रेंस, उनका जो एक टाइम का यही एक न्यूट्रिशियस मील था और वो मील भी उनका बंद हो गया। तो आप सोच रहे हैं कि उस कारण डेथ नहीं होगा, कितना ज्यादा डेथ बढ़ गया, क्योंकि
क्योंकि मिलियंस ऑफ दीज चिल्ड्रेन का वही एक टाइम का न्यूट्रिशियस मील था, जो मिड डे मील स्कीम वगैरह जो आप देख रहे हैं कि हर जगह चलता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे चिल्ड्रेन का यही एक दिन का न्यूट्रिशियस मील होता था, वो मील भी इनका बंद हो गया। अब आप खुद ही देखिए कि इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा सोसाइटी में। आपने जेंडर इनइक्वालिटी देखा, मेन आपने देखा कि कैसे स्टेटा वाइज डिवाइड हुआ है, कंट्री वाइज भी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं कि जो भी डेवलप्ड नेशन है ना, उन्होंने अपने लोगों को तो वैक्सीन दे दिया है, जट जो अनडेवलप्ड कंट्री है उनके पास तो वैक्सीन पहुंचा ही नहीं है, उनको उनके पास तो ज्यादा खतरा है ना। तो देखिए, इट हैज आइडेंटिफाइड, ये रिपोर्ट ने ये भी आइडेंटिफाई किया है वैक्सीन अपार्थाइड। वैक्सीन अपार्थाइड का क्या मतलब होता है? अनइक्वल एक्सेस टू वैक्सीन बिटवीन कंट्रीज। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा एग्जाम में कि रिसेंटली इन न्यूज वैक्सीन अपार्थाइड वाज सीन, व्हाट डज दिस मीन? अब आपको ये पता होना चाहिए वैक्सीन अपार्थाइड का क्या मतलब है, कि जो वैक्सीन है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, वो भी अनइक्वल हुआ है। जो भी डेवलप्ड नेशन है उन्होंने अपने अपने सिटीजंस को दे दिया है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो कहां से देंगे, वो तो वैक्सीन क्रिएट नहीं कर पाए। क्या हर कंट्री वैक्सीन बना लिया? नहीं बनाया ना, कुछ ही डेवलप्ड नेशन ने बनाया ना, उसमें इंडिया, इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस कि हमने वैक्सीन डेवलप किया। वी आर नॉट कंसिडर्ड एज द डेवलप्ड नेशन, बट स्टिल वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन, द मोस्ट सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री के बाद भी हम लोगों ने इतना ज्यादा वैक्सीन प्रोवाइड किया है। तो इट्स अ प्राइड नेशन, इट्स अ प्राइड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसने वैक्सीन अपार्थाइड को भी आइडेंटिफाई किया है। तो इस रिपोर्ट से जब क्वेश्चन बनेगा ना, तो ये वैक्सीन अपार्थाइड पे भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। एंड द लैक ऑफ यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन मेनी कंट्रीज एज अ कॉज ऑफ इमरजेंस ऑफ मल्टीपल न्यू स्ट्रेन ऑफ द कोरोना वायरस दैट हैज लेड टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द पैंडेमिक। अब ये पैंडेमिक क्यों कंटिन्यू है? क्योंकि जो यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसका बहुत ज्यादा कमी है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलिए आपने अपने कंट्री में वैक्सीन दे दिया, बट वी आर लिविंग इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम तो ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी रहे हैं। आपने अपने कंट्री में सबको वैक्सीन दे दिया, बट क्या नया स्ट्रेन जो आएगा वो उस वैक्सीन पर काम करेगा? नया स्ट्रेन को रोकने के लिए आपको सबको वैक्सीन देना होगा ना, वरना जो फॉरेन नेशनल्स आएंगे इंडिया में वो तो वहां का म्यूटेटेड वायरस लेके आएंगे, और वो वायरस इस वैक्सीन पे काम करेगा, क्योंकि हमने जो वैक्सीन बनाया है वो तो किसी पर्टिकुलर वायरस पे स्टडी करके बनाया है ना। अब वो वायरस अगर अपना नेचर चेंज करता रहेगा तो लगातार आपको वो हार्म करता ही रहेगा, आपको वैक्सीन का भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अगर आप वैक्सीन दे भी रहे हैं तो वैक्सीन से आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये वैक्सीन जो होना चाहिए, यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाना चाहिए, और हर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन को साथ मिलकर इस पे काम करना चाहिए कि हर एक सिटीजन्स ऑफ दिस वर्ल्ड शुड बी वैक्सीनेटेड। वरना एक भी सिटीजन अगर अनवैक्सीनेटेड रह गया तो उससे क्या होगा, कि उसके बॉडी में अगर किसी तरीके का म्यूटेटेड वायरस जनरेट होता है तो वो तो फिर कंटिन्यू कर जाएगा ना वो स्ट्रेन। तो इस चीज को भी ये जो रिपोर्ट है वो आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। देन द इमरजेंसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो इमरजेंसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रखा जाता है वो देखने को मिला है कि एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ $16 trillion, ये क्यों रखा गया था? दैट वॉज मीन्ट टू कीप इकोनॉमी ए फ्लो ड्यूरिंग दिस क्राइसिस, इन्फ्लेटेड स्टॉक प्राइसेस। जो इमरजेंसी गवर्नमेंट, जैसे अगर आप देखेंगे, अगर आपको थोड़ा नॉलेज होगा, तो एक हमारे यहाँ होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड क्या होता है? वो इमरजेंसी फंड होता है जो कि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद इमरजेंसी सिचुएशन में निकाला जाता है। तो उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, वो कितना एस्टिमेट किया गया? $16 trillion, ये काफी ज्यादा है। इतना अगर आपके पास अगर इमरजेंसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, तभी आप जो स्टॉक प्राइसेस है जो इन्फ्लेट हो रहा है, क्योंकि क्या होगा कि जब COVID-19 आया, जब लॉकडाउन लगा, तो हर जगह मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया, ठीक है। लॉकडाउन जब लगा तो सबको अपने अपने घर में बैठा, तो वहां पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो बंद हो गया। जब आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो जाएगा तो सप्लाई बंद हो जाएगा ना, सप्लाई कम हो जाएगा। पहले 10 चीज का सप्लाई था, 10 यूनिट का सप्लाई था, अब ये सप्लाई घट के 5 यूनिट हो गया। तो 10 यूनिट का अगर प्राइस
सपोज करिए 20 रुपया था, तो अगर 5 यूनिट हो जाएगा तो इसका प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए। जब जब चीजें चीजें आपके पास कम होने लगेंगी तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? से यस और नो। यस और नो। समझ आ रहा है? आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है, वंडरफुल। तो आप बताइए कि जब सप्लाई कम होगा तो उस चीज का प्राइस बढ़ेगा? स्वाभाविक सी बात है ना। अगर आपके पास, सपोज करिए आप कोई बिजनेस करते हैं, अब आपके पास 100 यूनिट है, आप 10-10 उसका डिमांड भी 100 यूनिट का है, आपने एक प्राइस रखा हुआ है कि हम 10 रुपए में से सेल करेंगे, 10 रुपए में सेल कर रहे हैं। अब अगर आप मार्केट में देख रहे हैं कि चीजें घट गई है, आपके पास 100 यूनिट है, पहले आपके पास 100 दुकानदार 100 लोग ही आते थे परचेज करने के लिए, अब आपके पास 1000 लोग आएंगे परचेज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? प्राइस को सीधा बढ़ा देंगे? आप कहेंगे कि नहीं, इसका प्राइस 20 रुपए, आपको खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो आप जाओ। तो पहले 100 लोग आ रहे थे, अब 1000 लोग आएंगे, तो उनके नीड्स है, तो अपने प्राइस को ज्यादा पे करने के लिए रेडी होंगे। फिर और चीजें जब कंस्ट्रेन होगी तो और ज्यादा प्राइस बढ़ेगा। तो इसी चीज को देखते हुए कि जब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गया तो गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर, जो इमरजेंसी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो एस्टिमेट किया गया, वो $16 ट्रिलियन का एस्टिमेट किया गया, ठीक है? और दिस रिजल्टेड इन बिलियनेयर्स कलेक्टिव वेल्थ इंक्रीजिंग बाय 5 ट्रिलियन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी बिलियनेयर्स, टॉप रिचेस्ट 10 मैन का बात नहीं हो रहा है, बिलियनेयर्स का बात हो रहा है, तो बिलियनेयर्स का कितना पैसा इंक्रीज हो गया? तो $5 ट्रिलियन से बिलियनेयर्स का पैसा इंक्रीज हो गया इस पैंडेमिक में। अब तो अभी आपको जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना होगा तो हम लोग इस चीज से निकल पाएंगे, ये सब कुछ है तो नहीं इतना। तो फिर अब इस चीज से निकलने का कोई रीजन, कोई सॉल्यूशन बताया गया? तो यस, ये सॉल्यूशन बताया गया। क्या सॉल्यूशन बताया गया? विंडफॉल टैक्स। अब अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली विंडफॉल टैक्स वाज सीन इन न्यूज, व्हाट डज दिस मीन? तो देखिए क्या है ये विंडफॉल टैक्स। जो COVID-19 में जो भी 10 richest men ने अपने वेल्थ को गेन किया है उस पे टैक्स लगाया जाए, और 99% विंडफॉल टैक्स ऑन द COVID-19 वेल्थ गेन ऑफ द 10 richest men कुड पे टू मेक इनफ वैक्सीन फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जितना उन लोगों ने गेन किया है ना COVID-19 में, उस पे अगर हम टैक्स इम्पोज करें तो वो पैसा काफी होगा कि हम पूरे वर्ल्ड के लिए वैक्सीन बना पाए एंड फिल फाइनेंसिंग गैप इन क्लाइमेट मेजर्स, यूनिवर्सल हेल्थ एंड सोशल प्रोटेक्शन एंड एफर्ट्स टू एड्रेस जेंडर बेस्ड वायलेंस इन ओवर 80 कंट्रीज। जैसे अभी मैंने बताया ना, जेंडर इनइक्वालिटी जो लैटिन अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है, जो अफ्रीका में आपको देखने को मिल रहा है, जो आपको कैरेबियन आइलैंड में जो देखने को मिल रहा है, जो जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी है, ये सब चीज से हम निकल पाएंगे अगर सिर्फ और सिर्फ जो COVID-19 में जितना पैसा उन्होंने अर्न किया है, जो टॉप 10 richest men है, उन पे टैक्स लगा दीजिए, 99% विंडफॉल टैक्स लगा दीजिए, वो सारा का सारा पैसा को यूज करके, उस टैक्स के पैसे को यूज करके इतना पैसा हो जाएगा कि पूरे वर्ल्ड के लिए आप वैक्सीन बना पाएंगे, इंटायर वर्ल्ड में हर एक सिटीजन को हम वैक्सीन दे पाएंगे, जो भी फाइनेंसिंग गैप है ना हम उसको फिल कर पाएंगे, हम पूरे वर्ल्ड में सोशल और हेल्थ प्रोटेक्शन दे पाएंगे उसी पैसा से, और हम उसी पैसे से ये एफर्ट्स भी ले पाएंगे कि जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हुआ है इन ओवर 80 कंट्रीज, मेनली लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, कैरेबियन, उन सब चीजों को हम कवर कर पाएंगे, व्हाइल स्टिल लिविंग दीज मेन $8 billion बेटर ऑफ देन देवर बिफोर द पैंडेमिक। तो ये सब चीज जो है ना, अगर आप करते हैं तो आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हैं। चलिए, इस रिपोर्ट में ये भी देखने को मिला है, हायर इनइक्वालिटी के कारण क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, वायलेंस ज्यादा हो रहा है, लोगों को सोशल ट्रस्ट कम हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास खाने का पैसा नहीं होगा, आप
क्या करेंगे, आपको अपने पेट को शांत करना है। तो लोग क्या करता है, लोग अब क्राइम में इन्वॉल्व होता है, इसी कारण से क्राइम ज्यादा देखने को मिल रहा है, वायलेंस में इन्वॉल्व होता है। इसीलिए जो भी कंट्री का रिपोर्ट आता है ना, हम लोग सबसे पहले किसी चीज पर फोकस करते हैं कि किसी भी कंट्री में अगर आप देखेंगे क्राइम रेट कम है तो उस कंट्री का आप थोड़ा सा गिनी कोफिशियंट देखेंगे। गिनी कोफिशियंट क्या मेजर करता है, इनइक्वालिटी को मेजर करता है। तो जहां पे जिस कंट्री में इनइक्वालिटी ज्यादा होगा ना, वो कंट्री ज्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट में रह रहा होगा, वहां पे वायलेंस काफी कम होता होगा, वहां पे क्राइम काफी कम होता है। लेकिन जिस कंट्री में इनइक्वालिटी ज्यादा होता है, वहां पे आपको क्राइम भी ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पे आपको वायलेंस भी ज्यादा देखने को मिलेगा, वहां पे जो सोशल ट्रस्ट होता है ना वो काफी कम होता है। ठीक है, द बर्नट ऑफ इनइक्वालिटी एंड द वायलेंस इज बॉर्न फॉर इंस्टेंस बाय वुमेन अक्रॉस द वर्ल्ड। Dalits in India, Black, Native American, Latin people in the US and indigenous groups in many countries. तो ये लोग काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं COVID-19 के कारण, ये लोग काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुए हैं। अब इसका रिकमेंडेशंस क्या है, इस कमिटी ने, इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंड किया है, तो क्या रिकमेंड किया है, तो इस रिपोर्ट ने ये रिकमेंड किया है, हाउ आप इस चीज को कैसे खत्म करेंगे, हाउ, अब इसी का आंसर है। It urgently ask for vaccine recipe to be made open source so that every qualified vaccine manufacturer can manufacture them. कि जो वैक्सीन रेसिपी है ना, जो आपको कॉपीराइट मिला हुआ है, इसको आप ओपन करिए कि आपने किस केमिकल से यूज करके इस वैक्सीन को बनाया है, क्योंकि जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके पास वो वही लगातार बना रहे हैं, उनके पास इतना रैपिड स्टेज पे वो नहीं बना पा रहे हैं, और उनका वेल्थ डबल होते जा रहा है, ट्रिपल होते जा रहा है, फोर टाइम्स होते जा रहा है। तो वो जो वैक्सीन रेसिपी है अब हो गया, इतना उन्हें पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया, अब आप उस रेसिपी को यूनिवर्सल कीजिए, ओपन कीजिए, ताकि जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी वैक्सीन क्रिएट करता है, वो उस रेसिपी का यूज करके वैक्सीन को बना पाए और ये एक ओपन सोर्स हो जाए, ताकि हर जगह वैक्सीन अवेलेबल हो, हर लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। तो ये वन ऑफ द रिकमेंडेशन है। Doing this will end the monopoly. देखिए, जब ये वैक्सीन रेसिपी अगर आप ओपन कर देंगे तो जो मोनोपोली है ना, जो वैक्सीन के ऊपर जो मोनोपोली बना हुआ है बाई फार्मास्यूटिकल जायंट, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड क्लॉ बैक द वेल्थ फ्रॉम बिलियनेयर्स। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो बिलियनेयर्स है ना, उनसे वेल्थ को लेना चाहिए बाई एडमिनिस्ट्रेटिंग solidarity taxes higher than 90%, especially on the billionaires that have profited during the pandemic. तो जो billionaires इस pandemic में उनको जो profit generate हुआ है, उसका 90% solidarity tax के form में आप उनसे पैसा ले लीजिए। वही पैसा तो हमारे लिए इतना काफी हो जाएगा कि हम इस pandemic को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका second recommendation था। Third recommendation इस report का क्या आया है, It asks for permanent cancellation of tax haven, progressive taxation on corporation and end to tax dogging by corporation. ये tax haven का permanent cancellation मांग रहा है, progressive taxation मांग रहा है corporation पे। progressive taxation समझते हैं क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है क्या है कि एक gap है 10% का या 20% का, अगर आप इतना इनकम कमा रहे हैं ना तो 20% आपको देना है, आप 1 करोड़ कमाए तो भी 20% देना है, 10 करोड़ कमाए तो भी 20% देना है, और 1 अरब कमाए तो भी 20% देना है। अब इसको प्रोग्रेसिव बनाना है, जो जितना ज्यादा अर्निंग कर रहेगा ना, किसी का अर्निंग है 1 करोड़, किसी का अर्निंग है 10 करोड़, किसी का अर्निंग है 1 अरब, किसी का अर्निंग है 10 खरब, तो जिसका जितना ज्यादा अर्निंग है ना, उससे उतना ज्यादा टैक्स दीजिए, क्योंकि आप स्पेंड कितना करेंगे एक साल में, या आप अपने जीवन में कितना स्पेंड कर देंगे, उसके बाद भी आपके पास बहुत पैसा रहेगा। तो ये जो रिपोर्ट है ये बोल रहा है ना कि अब प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का जमाना आ गया है, क्योंकि बिलियनेयर का वेल्थ, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बिलियनेयर का वेल्थ क्या होगा, वो डबल ट्रिपल फोर टाइम्स ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो उनके वेल्थ को कंट्रोल करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का लाना इम्पोर्टेंट है, जो जितना ज्यादा कमाए उसके अकॉर्डिंग उसको पैसा दिया, उसको टैक्स पे करना होगा। ठीक है,
दिस रीगेन्ड वेल्थ कैन बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स बिल्डिंग इनकम सेफ्टी नीड्स. अब देखिए बोल रहा है कि ये सब जो पैसा जो बिलियनेयर्स के पास से जो टैक्स के फॉर्म में सॉलिडेरिटी टैक्स विंडफॉल टैक्स इन सब के फॉर्म में जो आप पैसा कलेक्ट करेंगे उस पैसा को आप क्या कर सकते हैं, तो उस पैसा को आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे, तो इनकम सेफ्टी नेट्स बनाने के लिए, यूनिवर्सलाइजिंग हेल्थ केयर फॉर एवरीवन, सबके लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ केयर बनाने के लिए, इन्वेस्टिंग इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड डेमोक्रेटाइजिंग देम एंड इन्वेस्टिंग इन प्रोटेक्टिंग वुमेन फ्रॉम वायलेंस. जो वायलेंस देखने को मिल रहा है, जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, वो सब पैसा हम लोग इन सब चीजों पे डाल सकते हैं. जो आपको क्राइम रेट देखने को मिल रहा है, उस क्राइम रेट को हम लोग कम कर सकते हैं इन सारे पैसा से. ठीक है, अब ये देखिए, इट एडवोकेट्स फॉर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अलॉन्ग विथ वेल्थ बाय स्ट्रेंथनिंग वर्कर्स यूनियंस, बूस्टिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड असर्टिंग ह्यूमन राइट्स. तो ये बोल रहा है कि जो पावर है ना, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेल्थ के अकॉर्डिंग, यूनियंस बनना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना उनका भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. क्योंकि आप देखते हैं कि जो रिच पीपल होते हैं वही इलेक्शंस में जाते हैं, वही उस चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, वही उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, वही उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करते हैं. जो रिच पीपल है उनकी अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा है. तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है ना उनका भी होना चाहिए, और एक ह्यूमन राइट होना चाहिए जो इस चीज को असर्ट करे, इस चीज को देखे कि हाँ ये सब चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो यही रिपोर्ट था, इस रिपोर्ट का ये फाइंडिंग्स था, इस रिपोर्ट का ये रिकमेंडेशन था. बोलिए, ये रिपोर्ट सबको समझ आया? यस सर. किसी को इस रिपोर्ट में कोई डाउट है? सर एक जो डाउट है मुझे कि एक तो उन्होंने कहा कि 99% जो है विंडफॉल टैक्स और 90% सॉलिडेरिटी टैक्स. सर क्या ये वायबल हो सकता है, ये प्रैक्टिकल हो सकता है कि इतना गवर्नमेंट जो है, जो मिलियनेयर्स हैं, जो बिजनेस को, ये सिर्फ उस पैसे की बात हो रही है जो पैंडेमिक में आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है, ये उस पैसे की बात हो रही है. ऐसा नहीं है कि उनके पूरे वेल्थ का 99% गवर्नमेंट मांग रही है. नहीं नहीं सर, वही बात है ना कि जो उन्होंने पैंडेमिक में कमाया, फिर भी सर एक्चुअल में अगर हम आज का वर्ल्ड देखें, इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, कि जहां पर इतना गवर्नमेंट जो है इतना इम्पोजिशन नहीं कर सकता, इतना हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस नहीं कर सकता इम्पोज. बट क्या ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है सर? नहीं, इट इज नॉट दैट मच वायबल. लेकिन गवर्नमेंट एटलीस्ट इसका 50% तो कर सकता है. गवर्नमेंट शुड ओनली डिमांड, गवर्नमेंट ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो ला सकता है. सर क्या हम ऐसा, अगर सपोज हम मेंस में आंसर अगर क्या हम सर ये लिख सकते हैं, ये वाला जो डेट इन्होंने दी, बिल्कुल लिख सकते हैं. ये एक नहीं हो जाएगा कि एक इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है सर? इट्स नॉट इम्प्रैक्टिकल. क्योंकि अगर आप ये इसको इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन देख रहे हैं ना, तो एक साथ उसके साथ आप ये भी देखिए कि इसके कारण जो इम्पैक्ट हो रहा है, उस इम्पैक्ट को कंसिडर करके देखिए कि एवरी 4 सेकेंड 1 पीपल आर डाइंग ड्यू टू दिस इनइक्वालिटी. तो इसका जो इम्पैक्ट है ये काफी ज्यादा वायलेंट है, रेदर देन कि यू शुड इम्पोज दीज थिंग्स. ये एक फाइंडिंग्स है कि आप एक चीज सोच के देखिए कि इस इनइक्वालिटी के कारण अगर हर 4th सेकेंड में एक लोगों का डेथ हो रहा है, तो क्या ये वायबल है, ये होना चाहिए? तो जब ये पैंडेमिक आया है, तो इस पैंडेमिक के कारण हमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, और इसी पैंडेमिक में जो 10 richest men है ना, सिर्फ 10 richest men की बात हो रही है वर्ल्ड में, जो 10 richest men है ना, उन्होंने जो इस पैंडेमिक से जो कमाया है, जो इस पैंडेमिक में ही सिर्फ कमाया है, उसका जो विंडफॉल टैक्स है ना, वो आप पे कर दीजिए. आप अर्न करिए, बट आप उसका विंडफॉल टैक्स पे करिए. और जो बिलियनेयर हैं, उन्होंने जो इस पैंडेमिक में, क्योंकि हर 26 घंटे में एक बिलियनेयर का जन्म हो रहा है, और एक जगह पे देख रहे हैं कि इस इनइक्वालिटी के कारण हर 4th सेकंड में एक लोगों का डेथ हो रहा है. तो आप थोड़ा सा ये दोनों चीजों को कंपेयर करके देखिए कि कितना ज्यादा गैप है. और इसको गैप को फिल करने के लिए हमें 16 trillion rupees की रिक्वायरमेंट है. 16 trillion dollar, रुपीज नहीं, 16 trillion dollar की रिक्वायरमेंट है. इट्स अ ह्यूज अमाउंट. तो 16 trillion dollar अगर मेरे पास आएगा, तभी हम इस पैंडेमिक को बंद कर सकते हैं. हम वैक्सीन, यूनिवर्सल वैक्सीन, जो हमारा यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जो बात हो रही है, वो हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे पास इस चीज को हम ओपन करें, जब हमारे पास ये जो पैसा है ये हमारे पास आए, तभी हम ये सब चीज को कट आउट कर सकते हैं.
तो ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ये तो ऑक्सफैम इंटरनेशनल का रिकमेंडेशन है, ये हमारा और आपका रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ सर, रिकमेंडेशन तो है, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ पैंडेमिक के ड्यूरिंग जो ड्यूरिंग पैंडेमिक का ही बात हो रहा है, इनके पूरे वेल्थ को थोड़ी बात कर रहे हैं कि आप आपने अभी तक जो कमाया है उसका पूरा आप हमको दे दीजिए। नहीं 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 वो तो आप भाई, वो आपका मेहनत है, वो तो आप अर्न कर रहे हैं, आपने जो इस पैंडेमिक में कमाया है ये आपने इसलिए नहीं कमाया है कि कोई आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट किया है, ये आप आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने नहीं कमाया है। यस, अदरवाइज अदरवाइज इट मे किल देयर इंसेंटिव्स टू। हाँ बिल्कुल, तो थैंक यू डेफिनेटली सर। ये एक वैलिड लॉजिक है, आपको बिल्कुल इस चीज को लिखना चाहिए। अब देखिए, अब आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज द इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट, व्हाट का आपको एग्जाम्पल देना है, व्हाट इज इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। अब आपको बताना है इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट क्या है, तो इनइक्वालिटी कैसे लोगों को मार रहा है, तो एक पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बताया है क्या, वैक्सीन अपार्थाइड, क्योंकि अगर आप सबको यूनिवर्सल अगर आप वैक्सीन नहीं देंगे तो ये तो इसके कारण ये पैंडेमिक कंटिन्यू रहेगा, और जब पैंडेमिक कंटिन्यू रहेगा तो इनइक्वालिटी लोगों को मारते रहेगा, ये फर्स्ट पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वैक्सीन अपार्थाइड को। यस यस सर, बिल्कुल सर। इसमें वैक्सीन अपार्थाइड में ये क्या सिर्फ हम बिटवीन द कंट्रीज या बिटवीन द पीपल विद इन अ कंट्री भी लिख सकते हैं? बिटवीन द पीपल एंड विद इन द कंट्रीज भी लिख सकते हैं, ये यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये आप अपने कंट्री में भी बता सकते हैं और दूसरे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पे भी आप बात कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल ग्लोबल लेवल पे। यस सर, बिटवीन द कंट्रीज एंड बिटवीन द पीपल विद इन द कंट्रीज। यस ठीक है, ओके सर, थैंक यू। देन जो सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया है 160 मिलियन पीपल का, दैट इज हाइटेंड इनइक्वालिटी, इतना ज्यादा इनइक्वालिटी हुआ है कि वो लोग पॉवर्टी लेवल के नीचे आ गए हैं। देन और भी मैंने आपको बताया है क्या, इनइक्वालिटी किल्स का जो सेंट्रल आर्गुमेंट क्या था इसका, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इसको पढ़ने के लिए, उसमें सेंट्रल आर्गुमेंट क्या था कि जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है बाय द सोशल एंड इकोनॉमिक सेक्टर, इनइक्वालिटी इज़ अ डेथ सेंटेंस फॉर पीपल, तो ये आप लिख सकते हैं इसके अंदर, व्हाट इज इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाई डज द रिपोर्ट से दैट इनइक्वालिटी किल्स, Why does the report say that inequality kills? बताइए, disproportionate amount of social impact, gender inequality, social fabric जो हमारा है ये इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, तो these are the social fabric का मतलब क्या है, हमारे यहाँ crime ज्यादा हो गया है, inequality के कारण violence ज्यादा हो गया है, social trust कम हो गया है, तो we can say that ना the inequality is killing because of these region, ठीक है, hunger death, inequality क्यों लोगों को मार रहा है, क्योंकि hunger death देखने को मिल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, how does the report propose to rectify global inequality, ये रिपोर्ट कैसे आपको प्रपोज कर रहा है कि हम ग्लोबल इनइक्वालिटी को रेक्टिफाई करें, तो यही तो इस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन है, जस्ट राइट ऑल दीज पॉइंट्स, यू विल गेट फुल मार्क्स, आपको 10 में से अगर इसमें अगर आपने ये सारा पॉइंट्स लिखा तो 6 और 7 मार्क्स 60-70% मार्क्स टॉपर्स को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को लिंक करना है, ये तो सिर्फ एक रिपोर्ट है, अब इस रिपोर्ट को आपको वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के साथ आपको इसको लिंक करना है। ठीक है, कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के साथ आप इस चीज को इस रिपोर्ट को कैसे लिंक कर सकते हैं, तो ये सब जो पॉइंट है ना ये आप के प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी डेटा मैंने आपको बताया इस डेटा में आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। मेंस में क्या होगा कि इस रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आपने एक तरीके से पढ़ा है ना, इस रिपोर्ट के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया, रिपोर्ट किसने रिलीज किया, रिपोर्ट का सेंट्रल पॉइंट क्या था, इस रिपोर्ट का क्या क्या फाइंडिंग्स था, इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स को कंपैरिजन भी बताया है हर एक जगह पे, कि जैसे मैंने आपको जैसे बताया ना कि 10 richest man के पास कितना पैसा है, जितना बॉटम 3.5 बिलियन पीपल के पास नहीं है, 3.1 बिलियन पीपल,
उस पैसे को किस तरीके से स्पेंड किया जाए। तो अगर वो लोग एक दिन में $1 million का एक्सपेंडिचर करते हैं तो उनको 414 साल लगेगा इस पैसे को खर्च करने में। फिर जो जेंडर गैप के बारे में मैंने आपको बताया, वो जेंडर गैप आपको कहाँ पे ज्यादा देखने को मिल रहा है, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, कैरेबियन आइलैंड में। तो इन सब जगह पे जब क्वेश्चन आए ना, तो ये सब जगह पे आप एक मैप ड्रॉ कर दीजिए कि ये अफ्रीका रीजन हो गया, ये लैटिन अमेरिका का रीजन हो गया, ये कैरेबियन का रीजन हो गया। तो इस तरीके से आप मैप ड्रॉ कर दीजिए, वो सब आपको हेल्प करेगा। फिर वैक्सीन अपार्थाइड से रिलेटेड मैंने जो आपको बताया, देन यहाँ पे विंडफॉल टैक्स बताया है, ये सब जो है ना, ये सब काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। मेंस में क्या ऐड करेगा, तो ये वैक्सीन अपार्थाइड को आप एक्सप्लेन करिए, देन विंडफॉल टैक्स को आप एक्सप्लेन करिए, देन ये जो मैंने अभी आपको बताया कि इनइक्वालिटी के कारण ये जो वायलेंस देखने को मिल रहा है, ये सब चीज क्राइम देखने को मिल रहा है, जो सोशल ट्रस्ट कम हो गया है, तो इसी को आप बोल सकते हैं ना, ये जो सोशल फैब्रिक होता है, ये सब क्या होता है, ये सब सोशल फैब्रिक होता है, ये सब आपका काफी ज्यादा कम हो गया है। तो ये सब चीज पे आप आंसर कर सकते हैं। देन इसका जो रिकमेंडेशन है, इस रिकमेंडेशन को आप बता सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से किसी भी रिपोर्ट को, किसी भी चीज को, आपको कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे ना, कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो आप इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और मैं जो भी आपको चीज कवर कराऊंगा, ये पूरे एक साल का पार्ट मैं आपको उसी तरीके से कवर कराऊंगा। देखिए, कोई भी रिपोर्ट मेरा आप पढ़ेंगे तो ये सब मैं खुद पूरे 10 जगह से पढ़ के समझ के, उसके बाद ये सब चीज को फ्रेम करके तब आपके पास मैं लेके आता हूँ। तो मेरा चूंकि ऑफलाइन क्लासेस भी दिल्ली में सिविल सर्विसेज का बैच चलता है, तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पे ये सब चीज प्रोवाइड करता हूँ, और यही चीज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। इस पे जब हम लोग का क्लासेस एक फुल फ्लेज क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो इस सब चीजों को पढ़ने के बाद इस पे डेली का आंसर राइटिंग क्वेश्चन, डेली का 5 questions ऑन प्रीलिम्स बेसिस, ये सब कुछ हम लोग 1 by 1 कवर करेंगे, ठीक है। 5 questions मैं आपको डेली का कवर कराऊंगा, 1 answer writing आपको डेली का कवर करना है, और ये सब तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें चीजों को कवर करना है। बट क्लासेस जब रन करेगी तो एक साथ जब हम लोग कोई रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे, स्कीम पढ़ेंगे तो पूरा स्कीम पढ़ेंगे, कोई भी न्यूज पढ़ेंगे तो उस न्यूज से क्या आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है और क्या आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, उसी जगह पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको हमेशा पढ़ने से साथ साथ आपको कॉपी पेन लेके बैठना होगा और क्लास को इंटरैक्टिव रखना होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बस पढ़ा के चला जाऊँ, कल आऊँ फिर मैं पढ़ा के चला जाऊँ, फिर पढ़ता हूँ फिर पढ़ा के चला जाऊँ, और आप अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे। देखिए, अगर आप अपना एफर्ट डालेंगे ना, अगर आपने अपने एफर्ट का 80% एफर्ट भी अगर डाल दिया तो रिजल्ट विल बी गारंटेड फ्रॉम माई साइड, क्योंकि आपको इतने प्यार से मैं वो सारा मटेरियल, एक स्पून फीडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, वो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक मटेरियल, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से पहले मैं ये मैगजीन कवर कर लूँ, वो मैगजीन, कोई भी मैगजीन आप उठा के लाएंगे ना, इससे ज़्यादा कवरेज कहीं नहीं देखने को मिलेगा। किसी भी मैगजीन में आप जाके पढ़ लीजिए, इनइक्वालिटी किल्स इंडिया सप्लीमेंट 2022, जितना पॉइंट्स मैंने यहाँ पे कवर कराए हैं, इससे ज़्यादा एक भी पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी पैटर्न में मैं कवर कराता हूँ कि इस रिपोर्ट के बारे में क्या है, इस रिपोर्ट का क्या क्या फाइंडिंग्स है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इसका रिकमेंडेशन क्या है, ताकि आपको आंसर राइटिंग के लिए भी दिक्कत ना हो। अब ये मैं आपको बोलूं कि अब आप लिखिए इनइक्वालिटी किल्स, तो आप लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बताइए, कोई डाउट आप लोगों को? नहीं, मजा आया पढ़ के? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जब कंटिन्यू अगर करते, बिल्कुल, मैं देखिए मैं बिल्कुल करंट अफेयर की क्लास, हाँ बिल्कुल, ये सब करंट अफेयर की क्लास मैं कंटिन्यू करूंगा, इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी कंटिन्यू होगी, सब चीज मैं कंटिन्यू कराऊंगा। बट अभी क्या है ना, थोड़ा सा कुछ दिन का टाइम मुझे दे दीजिए, जस्ट 5 to 10-15 days का टाइम, क्योंकि मेरे घर में मेरी सिस्टर की शादी है, और अभी जो सिविल सर्विसेज का पेपर होने वाला है ना 5 June को, उसके साथ साथ RBI का पेपर है, तो इन सब के लिए ना मेरा जो यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है ना, वो इतना ज़्यादा पैक्ड है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम का स्कार्सिटी हो गया है। मैं फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीक में 1 to 2 classes आप लोगों को ज़रूर दूँ, ताकि आप लोग एक कंटिन्यूएशन को मेंटेन करें। उसके बाद मई जब आएगा ना, तो मई से कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आपकी डेली क्लासेस, 2 classes डेली चलेगी, जरूरत पड़ने पर मैं आपका 3 classes भी रन कर दूंगा, तो उसकी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
तो आई बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं आपको वीक में दो क्लासेस जरूर दूं, ठीक है सर। यहाँ वो इंश्योर होना चाहिए कि सर हमारा सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो, क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, सिलेबस मई में। सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट होगा, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हम लोग खुद ही उस चीज का एक शेड्यूल तैयार करेंगे, वो शेड्यूल आप लोगों को दिया जाएगा, आपको कंप्लीट ये जो भी पीडीएफ वगैरह सब कुछ इसी फॉर्म में प्रोवाइड किया जाएगा, और इतना नीट एंड क्लीन पीडीएफ हर तरीके से कि आपको कोई बुक्स को रेफर करने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट आपको मैं पढ़ा दूंगा उस पार्ट से क्वेश्चन ना बने, इट इज नॉट पॉसिबल। सर जो करंट अफेयर्स आप पढ़ाएंगे हमें वो उसी पे ज्यादा निर्भर रहना, या कुछ और भी आप रिकमेंड हमें करेंगे? और रिकमेंड मैं करूंगा ही नहीं, अगर कुछ और रिकमेंड करना होगा तो मैं खुद ही पढ़ाऊंगा ना। तो जो करंट अफेयर्स मैं पढ़ा दूं उसके बाहर कुछ नहीं, आपको उसी को 2 से 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि इस करंट अफेयर्स में क्या है ना, आप ये सब डेटा भूल सकते हैं, ये डेटा को आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। और इससे ज्यादा आपको लगता है क्या कि इनइक्वालिटी किल्स पे इससे ज्यादा कोई भी पॉइंट आपको मिसिंग दिख रहा है? आप खुद जाके पूरा रिपोर्ट्स पढ़ के देखिएगा, इससे ज्यादा कोई रिपोर्ट कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाएगा जी। तो वो सब चीज की कमी नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। यस सर, थैंक यू। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।